राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज थी। शिकायतकर्ता धनाराम ने शिकायत की थी कि उसके जो मकान के आगे आम रास्ता है 10 फीट का, उसमें लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। और मौके की स्थिति अनुसार भी ऐसा ही है कि उसके 10 फीट का जो आम रास्ता है, उसका दरवाज़ा, उसका जो है गेट ही आम रास्ते पर खुलता है,
और उसका आने जाने का रास्ता भी नहीं था। तो कुछ लोगों ने 10 फीट की गली पर एक धनाराम जी ने और एक वहाँ तेजराम चौधरी ने रामदास ने यहाँ अतिक्रमण कर रखा था। टॉयलेट बना रखे थे यहाँ, मकान बना रखा था, कमरा बना रखा था। तो इन आम जो कि आम गली आम रास्ता है और इस आम गली में आम रास्ते में सिर्फ आने जाने के लिए सुविधा थी या कोई अपना मकान बनाए तो उसके आने जाने की सुविधा थी। इस राजस्थान संपर्क पोर्टल पर ये शिकायत कम से कम 285 दिन हो गए शिकायत पे दर्ज है, ये पोर्टल पे दर्ज है। इसका कोई इसके लिए हमने ये कार्रवाई आज की है। ये लोग पहले कोर्ट में भी गए थे, कोर्ट ने भी इनको कोई अभी तक रियायत नहीं दी है। कोर्ट ने ये अभी कोर्ट का ये फैसला आया था कि आप 10 फीट गली कोई छोड़कर कोई अतिक्रमण हो तो उसको न तोड़ें। तो हमने सिर्फ जो 10 फीट की गली है वही हमने आज कार्रवाई की है, जिसमें 2 पक्के टॉयलेट के निर्माण थे, एक मकान बना हुआ था तो एक दुकान थी। तो आज हमने ये कार्रवाई कर दी है और इसमें एक खासकर जो सुविधा है दानाराम को, जिसका मकान गेट की तरफ यहीं खुलता है, उसका और रास्ता है भी नहीं, फ्रंट में दूसरे का मकान है, आगे इसका है, तो कुछ का आने जाने कोई रास्ता नहीं है, कोई विकल्प नहीं उसके पास। तो इसके हमने आज ये कार्रवाई की। विरोध तो बहुत हुआ, विरोध तो होता ही है अतिक्रमण में। तेजाराम जी चौधरी उन्होंने विरोध किया, जिसका तोड़ रहे हैं वो विरोध कर रहा है, उनका काफ़ी दिनों से कोई पक्का निर्माण जो किया हुआ है तो लोग तो उनको नुकसान होता तो विरोध तो करेंगे।